लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेकर सियासत गरमाई हुई है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ दिल्ली चलो पदयात्रा पर निकले सोनम वांगचुक और उनके लद्दाखी समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद से उनकी रिहाई की मांग तेज हो गई है और अब पुलिस की तरफ से भी नई कार्रवाई सामने आई है, जिससे लोगों में आक्रोश और भी बढ़ सकता है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत पर बढ़ते विवाद को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें पहले तो रिहा कर दिया, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद उन्हें और उनके साथ लगभग 150 लद्दाखियों को दोबारा हिरासत में ले लिया। इसके बावजूद वांगचुक ने अनशन नहीं तोड़ा और पुलिस स्टेशन में भी इसे जारी रखा। मामले में जानकारी देते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वांगचुक को रिहा करते हुए उन्हें दिल्ली के सेंट्रल एरिया की तरफ जाने से रोका गया था, लेकिन वे नहीं माने, जिसके बाद उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया गया। वहीं दिल्ली में BNNS की धारा 163 लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। कालकाजी मंदिर के पुजारी और मानस नमन सेवा सोसाइटी के सचिव ने याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस के इस आदेश को चुनौती दी है। बता दें कि 30 सितंबर की देर रात सिंघू बॉर्डर पर वांगचुक को पहली बार हिरासत में लिया गया था, जब वो लद्दाख के लिए स्टेटहुड की मांग के साथ अपने समर्थकों समेत दिल्ली चलो पदयात्रा पर निकले थे। इसकी जानकारी देते हुए वांगचुक ने खुद अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था कि मुझे दिल्ली की बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया गया है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और लोकतंत्र की जननी में बापू की समाधि तक शांतिपूर्ण मार्च पर थे। इस खबर के सामने आते ही बवाल मच गया। उनकी रिहाई की मांग के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका तक दाखिल हो गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए मोदी सरकार की निंदा की। मुख्यमंत्री आतिशी को भी वांगचुक से मिलने नहीं दिया गया। इस मामले को किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। DB लाइव की रिपोर्ट।